हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल माय ड्रीम जॉब पे। मैं हूं शोभित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय ड्रीम जॉब। तो चलिए चलते हैं आज के जॉब नोटिफिकेशन की ओर, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से दो पोजीशन के लिए जॉब वैकेंसीज निकली हुई है। सो फॉर द न्यू जॉब अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस रिक्वायरमेंट की डिटेल्स क्या हैं, इस पर कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब अप्लाई कर सकते हैं और इनकी सैलरीज क्या है। तो ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दी है, आप चाहिए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डालिए और लिंक पे जाके अपने रिक्वायरमेंट अपने पोजीशन के हिसाब से देखिए। तो यहाँ पे एक सेक्शन है नोटिस बोर्ड एंड न्यूज़ सेक्शन, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तीन नोटिफिकेशन अभी आए हुए हैं और तीनों के तीनों स्क्रॉल अप हो रहे हैं। तो मैं सेकेंड नोटिफिकेशन की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड द मेडिकल ऑफिसर। तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन साइट पे और देखते हैं कि इस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो भैया हमने डाउनलोड कर लिया है इसके रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर द स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो पहला रिक्वायरमेंट है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, जो कि आपको MBBS होना चाहिए, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ। साथ ही साथ आपको MBBS होना चाहिए सर्जन, ENT, एंथ्रोपोलॉजी। आप ये डिटेल देख सकते हैं और इसमें आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 254, जिसकी पर मंथ सैलरी है 1,05,000 रुपीज़। एंड द सेकेंड पोजिशन इज रेडियोजोलॉजिस्ट है, जो है जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड रेडियोलॉजी इक्विवेलेंट। इसके टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है 21 और इसकी सैलरी है 1,50,000 रुपीज़। एंड द थर्ड वैकेंट पोजीशन इज मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको रिक्वायरमेंट SSL क्वालिफिकेशन क्या है, आपको MBBS होना चाहिए और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशन ये है आपकी 82 और इसकी सैलरी थोड़ी कम है, इसकी सैलरी है 63,000 रुपीज़। तो एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एज ऑफ द कैंडिडेट्स बिलो 67 ईयर शुड बी एज फॉलोइंग। सो इसमें बोला जा रहा है कि अगर 1 अगस्त से तक 67 ईयर्स या उससे कम की एज होनी चाहिए। तो इसमें एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो एड्रेस दिए हुए मिशन डायरेक्टर RCH कैंपस झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी जिसे नाम को रांची 10। और लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की 5 अक्टूबर 2020। तो भैया इसमें करना क्या है आपको, आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इसके साइट पर जाना है, ये रिक्वायरमेंट PDF फॉर्म डाउनलोड करनी है और आपको फिजिकली फॉर्म को फिलअप करके उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर पोस्ट कर सकते हैं। आपको इसमें सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो पहले लेट्स डिस्कस ऑन द डिटेल्स। तो पहले क्या मांगे हुए इसमें, एडवर्टीजमेंट नंबर दिए हुए हैं। सेकंड क्या है, पोस्ट कोड दिए हुए हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर कैंडिडेट्स डिटेल्स जो हैं, कैंडिडेट्स डिटेल आप यहां पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स डिटेल दिए हुए हैं, कैंडिडेट्स डिटेल में आप फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए। अगर किसी का मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम ही डाल सकते हैं। फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, नेशनैलिटी इंडियन होगा, कैटेगरी आप जिस कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं जनरल ST SC OBC, स्टेट ऑफ डोमिसाइल किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर क्या है, फिजिकली चैलेंज या तो आप हैं या नहीं हैं, और मोबाइल नंबर। उसके साथ ही साथ आपको कोरस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस भी डालनी पड़ेगी। आप कोशिश करिए कि मल्टीपल ईमेल एड्रेस डाल सकें, एटलीस्ट 2 ईमेल एड्रेस डालिए और आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस डालिए।
उसके साथ साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डालनी पड़ेगी, जिसमें 10th, 12th MBBS, PG और एनी अदर सर्टिफिकेशन इफ यू हैव डन, देन यू हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द बॉर्डर यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर एंड द परसेंटेज एंड द मार्क्स विच यू गॉट इन ऑब्टेंड एंड द वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप जितने भी वर्क एक्सपीरियंस अभी तक किसी हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं उसके डेजिग्नेशन और कब से कब तक प्लेस फॉर द पोस्ट अप्लाइड, किस प्लेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड द लिस्ट ऑफ द इंक्लोजर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके उस एड्रेस पे भेजना है। एट लास्ट यू हैव टू साइन एट दिस प्लेस कैंडिडेट सिग्नेचर एंड द डेट एंड द प्लेस विच यू आर अप्लाइंग फॉर। तो ये है आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टू जॉब। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जॉब लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सी वैकेंसी आती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल पे, हमारे जॉब वैकेंसी साइट पे, ताकि आपको जल्द से जल्द अपडेट में पहुंचा सकूं और आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।